पार्लियामेंट हाउस से साहर खान आपके साथ। हमारे साथ बहुत ही खसूसी गेस्ट मौजूद हैं आज पार्लियामेंट कैफेटेरिया में, जिनसे हम बात करेंगे 14 अगस्त सेलिब्रेशन पर भी और हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर भी कुछ रिव्यू करेंगे। तो आइए मिलते हैं, बहुत बहुत वार्म वेलकम शो मैट उस्मा रियाज रहन साहबा जिनका तालुक एबटाबाद हरियाणा से है। वार्म वेलकम डेरा बलोच साहबा जिनका तालुक एक बहुत ही खूबसूरत सूबा बलोचिस्तान से है। आज हमारे साथ हमारे बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त सेशन चल रहा था और अभी भी सेशन को रोक भी हुआ। आपसे स्टार्ट करते हैं मैडम मुनव्वरा बलोच साहिबा से कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और क्या समझती हैं कि अभी इस स्टेज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान आज जिस दहाने पे खड़े हैं और पिछले 2 सालों से जिस तरह हमारे लीडर इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में हाईलाइट किया है और जिस तरह से लेके चले हैं, तो मैं समझती हूँ कि उस 70 सालों पे बारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मैं अपने सूबे को हाईलाइट करूँगी, मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगी कि मैं जिस तरह से मैं पिछले 2 सालों में अपने सूबे को जिस अंदाज में हाईलाइट होते हुए देख रही हूँ, मैं तो समझती हूँ, मुझे तो अपने लीडर पे प्राउड है। और स्पेशली मैं एज ए बलोच जो मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया है, तो मेरी तमाम तर वो गलत फहमियाँ मेरे बलोचिस्तान के लोगों की दूर हो गए कि फेडरल में बलोचिस्तान की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि बलोचिस्तान फेडरल पे इतना हाईलाइट, फेडरल में इतना हाईलाइट हो रहा है। उनके उस तमाम छोटे बड़े इशूज़ ऐसे डिस्कस हो रहे हैं जैसे कि फेडरल हमारा अपना घर है। तो मैं समझती हूँ ये तमाम क्रेडिट जाता है मेरे लीडर इमरान खान को कि जिस तरह इलेक्शन से पहले उसने वादा किया था कि मैं बलूचिस्तान को जो है पंजाब की बराबरी पे लाऊंगी, स्पेशली वो सूबा जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं, जो खुदा ने उसको कुदरती दौलत से मालामाल किया है, लेकिन 70 सालों से जिस तरह उसको पीछे रखा गया था, तो वो तमाम तर हमारी जितनी ख्वाहिशात जितनी तवक्कोआत खान साहब से थी, तो मैं मुतमईन हूँ कि खान साहब हमें उस तरह ट्रीट कर रहे हैं और साथ ले कर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ये भी बता दें कि आपके नज़दीक बलोचिस्तान के सूबा में जो एक बिगेस्ट चैलेंजेस आप समझते हैं कि जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, वो भी हमें ज़रूर बताइए कि उन पर आपने भी बहुत आवाज़ उठाई है सेशंस के दौरान भी, ऐवानों में भी आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की है, बिजली के मामलों पर, जनरेटर्स के मामलों पर। तो हम बता रहे हैं, हमें बताइएगा कि आपने इस तरीके से। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट चलाने के जो लीडर्स होते हैं उनकी अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरह गवर्नमेंट चला रहे, जिस तरह मैं अगेन रिपीट करूँगी कि मैं अपने सूबे की बात करूँगी, जिस तरह वो मेरे सूबे को लेके चल रहे, 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे डिज़ोल्व हो के, तमाम सब्जेक्ट्स डिज़ोल्व हो के सूबों को जा चुके, उसके बावजूद भी मरकज़ जो खान साहब के इंस्ट्रक्शन है वो बलोचिस्तान के लिए स्पेशली है। जो तमाम हमारे महकमे हैं वो बलोचिस्तान को ख़ास प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप हमारे फेडरल PSDP को उठा के देख लेते हैं तो उसमें 81 अरब बलोचिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों के लिए रखे है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिगेस्ट चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर उन हम डीप में जाएंगे तो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं तो हम उनसे अट जाते हैं। मैं समझती हूँ इस टाइम हमें अपने बेसिक नीड्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर हम अपने बेसिक नीड्स होंगे तो हम बड़े बड़े चैलेंजेस को निपटने की तरफ जाएंगे। मैं समझती हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस उस पे दहाने पे खड़ी है बलूचिस्तान, उसके लिए मैन NHS ने 2-4 रोडें मंजूर करवाए, उस पर मेरा ख्याल टेंडर भी हो चुका है, उनके पे काम भी स्टार्ट है। दूसरा, मैं समझती हूँ कि मेरे ही रिकमेंडेशन पे मेरे पार्टी के मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब ने क्वेटा कराची शाहरा जो है उसको जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके गए। ये भी हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ये हमारे दौरे हुकूमत में जाएगा, और स्पेशली आप बलोचिस्तान की 6% कोटे की जो बात कर रहे हैं उस पर इकदाम हो रहे हैं। 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ जेली डोमिसाइल पे कोई नोटिस ले ले, और नोटिस तो सब लेते रहते, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट और जो पाकिस्तान तरीके
इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ है, स्पेशली मेरे सूबा जो इस टाइम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट है, मैं उन वहाँ अलायंस में से हूँ, तो मैं समझती हूँ मेरा एक डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग है जहाँ उसने 450 ऐसे जेली डोमिसाइल्स उसने वहाँ बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी किए, जो हमारे पोस्टों पर आए थे उनको बिल्कुल उन्होंने बरतरफ भी किया है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे खान साहब की वो इनिशिएटिव्स है जो उसने बलूचिस्तान के लिए लिया है, और बलूचिस्तान इंशाल्लाह हम जो है, मैं समझती हूँ कि पिछले 70 साल की जो महरूमियाँ हैं हम जो है इंशाल्लाह इन 5 सालों में उनको जो है इंशाल्लाह हम प्रोविंशियल वीमेन प्रेसिडेंट भी हैं, उसके हेड भी हैं, और उनसे बात करते हैं कि वीमेन विंग के तौर पर कि आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और ख़वातीन खसूसी तौर पर बलूचिस्तान में कितनी एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं सियासत के अंदर। देखिए मैं इससे पहले जो इलेक्शन के दौरान हमारे वुमेन विंग थी वो तो सूबाई प्रेसिडेंट हुआ करती थी, एक प्रेसिडेंट होते थे वुमेन विंग की। अभी रिसेंटली हमारे जो नया आइन बना है उसमें हमने बलूचिस्तान को 4 रीजन्स में डिवाइड किया है, तो हमारे पास 4 रीजन प्रेसिडेंट्स है, मतलब उनके साथ हम अपने वुमेन जो विंग है उनको बहुत ज़्यादा फहाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान जैसे इलाके में PTI में ऐसे ऐसे वुमेन्स है, ऐसे ऐसे कबायली लेडीज़ है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि तमाम जो हमारे बलूचिस्तान के कबायली लोग हैं उनको जो उम्मीदें खान साहब से और PTI से थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो कामयाबी नज़र आ रहा है। इसलिए अभी बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे वुमेंस पार्टी में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी कि सियासी और कबायली बैकग्राउंड है वो पार्टी में आना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम एज ए वुमेन और PTI वुमेन विंग बलूचिस्तान वो हमेशा मर्दों के शाना बशाना खड़े रहे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो इख्तदार की पार्टी बनाने में वुमेन का बहुत बड़ा किरदार है। उस बिल्लाम बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ वो एक तरह का बैकवर्ड एरिया भी है और कुदरती आफात से वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी है। जैसे से आपको बताए 2005 का अक्टूबर 8 अक्टूबर 2005 का जो जलजला था उससे वहाँ के लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और अभी तक वो लोग उन मुश्किलात के अंदर रह रहे हैं। जिस तरह से खान साहब ने जी पसमानदा इलाकों को फोकस किया, पसमानदा इलाकों के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया और बेसिक जो खान साहब का एजेंडा था वो एजेंडा उनका था कि जी तालीम पे फोकस किया जाए, सेहत पे फोकस किया जाए और इंसाफ के निज़ाम के हसूल में आसानी हो लोगों को। तो उसके अंदर जी जैसे आपको पता है कि KPK का एबटाबाद हज़ारा एक रीजन है, KPK 4 रीजन के ऊपर मुश्तमिल है जिसमें से हज़ारा रीजन एक KPK का रीजन है और वो बहुत बैकवर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से खान साहब ने और PTI ने अपने आप को मनवाया, अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखें तो फर्स्ट टाइम इस तरह से KPK की हिस्ट्री में ये चीज़ हुई है कि कोई पार्टी दोबारा से बरसरे इक्तदार आई हो। तो उसके अंदर जी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें ख़वातीन की इतनी ज़्यादा इसमें कोई शक नहीं कि जी मेरे जो पापा थे अल्लाह उनको बख्शे, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, वो KPK के गवर्नर रहे इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। उसके बाद जी मेरे ताया थे वो एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के वो नाजिम रहे। मेरे चचा हैं वो पिछली दफ़ा MNA डॉक्टर अजहर थे, वो MNA रहे और जो मेरे ताया कर्नल मुस्तफ़ा हैं, मतलब मेरा सियासी बैकग्राउंड होने के बावजूद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ख़वातीन के ऊपर, लेकिन एक PTI की एक पार्टी ऐसी पार्टी थी कि जिसके अंदर मुझे घर से भी सपोर्ट मिली, मुझे पार्टी से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सपोर्ट मिली और आज मैं अमली तौर पर सियासत के अंदर दाखिल हुई और मुझे जिस तरह से PTI ने इज़्ज़त दी और जिस तरह से आज PTI के तमाम अराकीन, तमाम मिनिस्टर जिस तरह से हम ख़वातीन के साथ कोऑपरेट करते हैं उसकी वजह से जी हम अपने इलाकों में काम करने के काबिल भी हुए और हमने बहुत से डेवलपमेंट के काम करवाए भी।
ویری انٹرسٹنگ. یہ بتائیے گا کہ بہت ہی 2 سالہ کارکردگی کو آپ نے کیسا پایا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کتنا آگے جانا ہے؟ دیکھیں میں 2 سالہ کارکردگی کو تو نہیں لوں گی, میں تقریباً 7 سالہ کارکردگی کو لوں گی, کیونکہ پچھلے 5 سال بی کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. جس طرح سے ان 7 سالوں کے اندر ایجوکیشن کے اندر خان صاحب ریفارم لے کر آئے اور ایجوکیشن کا معیار, جو گورنمنٹ اسکولس کا معیار بہتر ہوا, جو صحت کے معیار بہتر ہوا, جس طرح سے ہاسپٹلس کی حالت بہت بہتر ہوئی, وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو دوائیاں دی گئیں, اور ان کو جس طرح سے خان صاحب کا ارادہ ہے کہ جن کو ماڈل ہاسپٹلس بنایا جائے, ماڈل اسکولس بنایا جائے, اس لحاظ سے جی ہم کی پی کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ مطمئن بھی ہیں, کیونکہ ہم سے جب خان صاحب نے ووٹ مانگا تھا تو انہوں نے تین اپنے منشور میں 3 چیزیں انہوں نے مینشن کی تھی, ایک انہوں نے تعلیم, ایک انہوں نے صحت, اور ایک پٹواری نظام. اس کے اندر کوئی شک نہیں جی, ہمارا تعلیمی نظام بہت بہتر ہوا, ہمارے اسکولس گورنمنٹ اسکول بہت زیادہ بہتر ہوئے. آج میری بیٹی ہے جی, اس نے بی ایف ایس سی کلیئر کیا ہے تو اس کو میں نے گورنمنٹ کالج کے اندر ایڈمیشن دلایا ہے. میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے بھی میٹرک کیا ہے, تو ابھی جب انشاءاللہ شروع ہوں گے ایڈمیشن شروع ہوں گے تو میرا ارادہ بالکل گورنمنٹ کالج کے اندر ایڈمیشن دلانے کا ہے. اور اسی طرح سے جو اسکول کے معیار بہتر ہوئے جی, میں تو بہت مطمئن ہوں اس سے, اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ کے پی کے اندر ان شاء اللہ بالکل بہت اچھا. چونکہ ابھی یوم آزادی بھی بہت قریب ہے, 14 اگست کا جوش و خروش ہے, تو آپ کے صوبے میں بھی جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو منایا جاتا ہے, اور اس موقع پر قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنی تمام بہن بھائیوں کو یہ اپیل کروں گی کہ خدا را ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. الحمدللہ اس ہماری گورنمنٹ نے کرونا پہ بے انتہا اچھے طریقے سے قابو پا لیا ہے, لیکن اس کو اس کی ابھی بھی ایک کہہ لیں کہ خطرہ ٹلا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوا. تو اس میں یہ کہ ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے شجرکاری کو جی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, اور اس دفعہ میں تو یہ اپنی قوم کو پیغام دوں گی کہ جھنڈیوں کی جگہ آپ ایک پودا لگائیں, اور اس پودے کو لگا کے آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بڑھانا ہے. تو میں انشاءاللہ 14 اگست کو جی میرا اپنا ارادہ ہے کہ میں جا کے, اور میں نے ایپٹ آباد میں انتظام بھی کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں جو میرا ہے کہ وہ ہم فروٹ کے درخت لگائیں, پھلدار درخت لگائیں, کہ اتنے پھلدار درخت ہوں کہ اس سے ہر عام شہری بھی اس پھل سے مستفید ہو سکے, اور جو پھلوں کی جو شارٹیج ہے وہ ہمارے ملک سے بالکل ختم ہو جائے, اور ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ راہ چلتے ہوئے پھول توڑ کے تازہ پھل کھا سکے. بہت اچھا آپ کا خیال ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے. یوم آزادی کے موقع پر آپ کا بھی میسج تحفے نام ضرور پوچھیں گے, اور اس یوم آزادی میں تجدید عہد وہ کیا ہو؟ دیکھیے جی, میں تو سب سے پہلے اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دوں گی, کیونکہ اس دفعہ جو پچھلے سال ہم لوگوں نے جس جوش و خروش سے جشن آزادی منائی, تو انشاءاللہ کووڈ کے کامیابی کے بعد تو ہم اس کو دوبارہ بھرپور اس تازہ ایک جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے جس بحران سے ہم بھی ابھی ہم نکلے. اسپیشلی میں اپنے بلوچستان میں جشن آزادی منانے کے جو طریقہ کار ہے اس کو میں زیادہ یہاں شیئر اس لیے کروں گی کہ ہم لوگ بڑے سفر کرنے کے بعد بلوچستان میں جشن آزادی کو بہت اچھی طرح سے منا رہے ہیں. وہ ہم لوگوں نے ایک سلوگن دیا ہوا ہے, پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائند آباد. اس سلوگن کے تحت ہم جس طرح ہمارے بچے بوڑھے جوان جشن آزادی کو مناتے ہیں, کیونکہ آزادی وہ دولت ہے کہ جس کو ہم خریدنا چاہے بھی تو خرید نہیں سکتے.
سکتے تو الحمدللہ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہم آزاد ملک کے باسی ہے تو جس طرح سے ہم اپنے آزادی کو مناتے اور ہمارے اسپیشلی میں اپنے پاک فوج کو اس موقع پہ بھی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے ہمیں سرحدوں پہ ہماری محافظ بن کے کھڑے حفاظت ہماری کرتے تو ان کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے اور پاکستان جو ہے ہمارے اور ان کی مشترکہ کوششوں سے ہم انشاءاللہ ان کو بری نظروں سے بچائیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ضرور جڑانا چاہوں گی. پاکستان زندہ آباد, بلوچستان پائندہ آباد. بہت شکریہ. آپ کے انتہائی خوبصورت میسیج کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا, آج کی نشست کا, لیکن آپ سے انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا. ناظرین, پروگرام پارلیمنٹ میں اس سے سحر خان آپ کے ساتھ, اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا اور دیکھا بھی کہ پارلیمنٹرینس کا, خاص کر کے خواتین پارلیمنٹرینس کا اس یوم آزادی پہ جو میسج ہے وہ ہے کہ وطن کو خوبصورت, کلین اور گرین پاکستان بنانے کے لیے کاوشیں کی جائیں اور شٹر کاری کے ساتھ ساتھ جو ہے اس 14 اگست کی سیلیبریشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھی جائیں. سو اجازت چاہتے ہیں.